हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना बाड़ी दिखाऊंगी जिसमें हमने बहुत सारा सब्जी सब लगाए हुए हैं। हम लोग किसान फैमिली से आते हैं और गांव में रहते हैं। देखिए, यह देखिए गाइस, ये है कद्दू। कद्दू का पौधा जो कि अभी इसमें फल लगने वाला है। देखिए, इसमें फूल आ रहा है। ये है फूल, इसमें फल लगने वाला है दोस्तों। ये टमाटर का पौधा है और वो है कुद्रुम, और ये है प्याज। अभी प्याज इसमें बैठने वाला है गाइस। देखिए इधर, ये है प्याज इसमें बैठ रहा है। इधर बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है। इधर देखिए गाइस, टमाटर कैसे फला हुआ है, कितना सुंदर सा टमाटर। इधर भी प्याज है, इधर भी प्याज है, यहाँ से वहाँ तक। इधर भी है, इधर फिर धनिया पत्ता दिखाएंगे गाइस आप लोगों को। और ये देख रहे हैं, ये है पुई साग और ये है कुद्रुम। इसका सब्जी बहुत टेस्टी होता है, इसका हम लोग झोर सब्जी खाते हैं। और अभी भी दिखाते हैं गाइस, अभी क्या क्या लगाए हैं यहाँ पे। इधर देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए, ये रहा हम लोग का फर्स्ट फल बैंगन, है ना गाइस, सुंदर एकदम। और एक फल रहा इधर, इधर देखिए, ये रहा। इधर ये है, यहाँ से एक दो तीन, ये तीन पौधा काटा वाला है, ये बिना काटा वाला है। इधर टमाटर है गाइस, इतना अच्छा फल दिया है, इतना चार पांच पौधा लगाए थे, इतना फैल गया है ना छोटे से जगह पे, फर्स्ट टाइम लगाए हैं। इधर मिर्चा का पौधा है, ये भी है मिर्चा, ये है मिर्चा, इधर भी है मिर्चा, इसमें तो फल भी आ गया है। इधर नीचे की ओर दिखाएंगे गाइस सब लोग, किधर है, हाँ देखिए, ये रहा। तो बीच में पुचकी आ गई थी। इधर देखिए धनिया, यहाँ से वहाँ तक। फिर ये मिर्चा का पौधा है, अभी छोटा है, इसमें छोटे छोटे गोल गोल टमाटर, एक छोटा देसी टमाटर होता है ना, उस साइज में मिर्च होगा। बहुत ही सुंदर, खाने में टेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा। वो जब फलेगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी है धनिया, यहाँ पे भी। ये सब कद्दू देख रहे हैं, ये सब अपने खुद से हुआ है, इसको हम लोग नहीं लगाया है। जिधर लगाए थे ना उस साइड लगाए थे, उधर हुआ नहीं, क्योंकि उधर पानी नहीं जाता था ना, इसीलिए। हमें इधर भी टमाटर है, इधर भी मिर्चा का पौधा है जो कि अभी बढ़ने में टाइम लगेगा अभी। और वहाँ पे भी है धनिया, इधर भिंडी लगाए थे, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे और एक है मिर्चा का पौधा, साथ में लगाए थे। इधर केला का पौधा है, बड़ा वाला केला है, इतना बड़ा देख रहे हैं। उधर भी हुआ है पर अभी उधर दिखेगा नहीं, उस साइड से दिखेगा। यह है बूंदी, ये सब गर्मी का सीजन वाला है, पर पता नहीं ये भिंडी शायद ज़्यादा पानी हम लोग दे दिए इसीलिए हुआ नहीं। इधर हो रहा है, इधर का पौधा बढ़ रहा है। यह है दोस्तों करेली, छोटा वाला। देखिए अभी झांख लगाए हैं इसमें, जो कि इसमें झांख लगाने से बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर झांख नहीं लगाएंगे तो सब ज़मीन में इधर फैल जाएगा, और जो फल है ना वो नीचे मिट्टी में रहेगा तो वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, इसीलिए ऐसा देना पड़ता है। पुचकी को देखिए इधर, मेरे पीछे पीछे आ गई है, अभी पूरा खेत में घुसेगी, अब देखेगी भी नहीं और पौधा सबको खूंदेगी। अभी भगाएंगे इसको यहाँ से। पुचकी जाओ, घर जाओ, जाइए जाइए, नहीं जाने खोज रही है, देख रहे हैं कैसे कैसे मुस्कुरा रही है, देख रहे हैं। हम जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर आएगी। इधर भी छोटा केला है, ये वाला, ये पौधा छोटा रहता है, इसको जो भी केला बोलते हैं। पानी इसको बहुत चाहिए होता है, और इसका फल भी बड़ा बड़ा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इधर है सेम का पौधा जो कि बड़ा नहीं है। इधर भी है कद्दू, चलो
ठीक है, चलिए चलिए चलिए। यहाँ पे भी टमाटर है, यहाँ पे छोटा छोटा था तो इसमें जब खाद दिए ना तो इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे भी एक मिर्चा डाले हुए, और ये मटर ये सूख गया था तो इसको यहाँ लगा दिया तो निकल गया था। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों टमाटर दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है ना, देखिए घर का लगा हुआ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये पेड़ तो बकन का है, और ये दोस्तों देख रहे हैं ये है कुटुम्बा का पेड़। इसमें जब फल आते हैं ना छोटे छोटे मटर के दाने जैसे, वो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है इसको खाने से। जब ये फल लगेगा ना दोस्तों, अभी फूल लगा हुआ है, जब इसमें फल तैयार होगा तो मैं इसकी सब्जी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। खाना बन गया है, अभी सिस्टर खाना पसा रही है, पसा ली है शायद, दादी भी आ गई है पूछ के मम्मी इधर से देखिए आ रही है। ओ नहीं, ये तो प्रियंका की मम्मी है। ओ अच्छा, इधर से आ रही है, ये देखिए दादी से मिलने की खुशी। इधर मेरा भाई खड़ा है, देखिए आ गई काम करके, नाइट ड्यूटी था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस। दाल चढ़ा हुआ है बहुत ही सुंदर।